सो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फोर्थ लेक्चर है. अभी तक हम लोगों ने बायोसावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट्स लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस, जिसमें टोरॉइड और सोलेनोइड आता है, एंड देन उसके बाद हमने चार्ज जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स पता लगाई. फिर वो चार्ज अगर ऐसी एक स्पेस में इंटर करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही अवेलेबल है तो उस पर फोर्स पता लगाई, लॉरेंस फोर्स. एंड देन उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन करी एक एक्सेलरेटर पे, विच इज़ साइक्लोट्रॉन. सो अब तक पिछले तीन लेक्चर्स में हमने यही किया है. इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक इसमें ये है कि वहीं पर वो चार्ज जब फ्लो करता है, राइट, मतलब एक एक्सटर्नल चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती है. उसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, ये हमारे सामने है उसका फॉर्मूला, राइट. ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में निकाला था, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट. बट इस एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी में ये चार्ज अगर एक कंडक्टर के अंदर हुआ तो, और कंडक्टर के अंदर स्टेडिली फ्लो कर रहा हो विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो क्या उस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा? डेफिनेटली लगेगा. लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है. ये हमें निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके, उसका क्या फॉर्मूला आता है. ये सब कॉज शुरुआत यहीं से होती है, बट डेफिनेटली उसके आगे हमें और भी लिखना है. सो जैसा कि हम यहाँ जान रहे हैं, कंसीडर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैरिंग अ करंट आई प्लेस एट एन एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट. एंड हर इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसके लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन पर यूनिट वॉल्यूम. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर कितने हो जाएंगे? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वो जाएंगे एन इंटू ए इंटू एल. क्योंकि अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन है तो ए इंटू एल हो जाएगी वॉल्यूम, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एन इंटू ए इंटू एल. फाइन. एंड हमारे पास फोर्स का फिर फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला आएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई एंड वी डी क्रॉस बी. ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा? दिस इंटू ई. एंड क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एन ई ए एल वी डी बी साइन थीटा है, राइट. तो इसमें ये वाली चीज़ें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन है देखिए ज़रा, ये एन ई ए वी डी. क्या ये कहीं सुना है फॉर्मूला एन ई ए वी डी? डेफिनेटली लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है. तो ये क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा. ये फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. एंड इसी को अगर एल बी साइन थीटा को एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दें, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, कोई दिक्कत? डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन यहाँ पर हमें पता है अब लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन जो करंट की है. ये चीज़ हम कहाँ सीख चुके हैं? बायोसावर्ट्स लॉ में, डी एल क्रॉस आर वेक्टर में, याद है? तो बायोसावर्ट्स लॉ में जैसे डी एल क्रॉस आर वेक्टर था वहाँ पर बायोसावर्ट्स लॉ का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, वैसे ही यहाँ पर एल क्रॉस बी है. वहाँ पर भी एल की लेंथ की डायरेक्शन जो होती थी वो करंट की डायरेक्शन मानी जाती थी. सो ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन है. इसी में अगर हम बात करें एफ मिनिमम क्या होगा, इसी में अगर हम बात करें एफ मिनिमम, तो एफ मिनिमम हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो. कब? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. कब ये? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एंड एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एफ मैक्सिमम हो जाएगा आई एल बी. कब? जब थीटा 90 डिग्री है. जब थीटा 90 डिग्री है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आई एल बी, और जब थीटा ज़ीरो होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा फोर्स ज़ीरो, राइट. नेक्स्ट इसी पे हमने जो भी सीखा है अभी इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ ट्राई, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे. इसका यूज़ करेंगे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर फोर्स में, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के लिए एक्सटर्नल होगी और दूसरे वाले के एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के लिए एक्सटर्नल होगी. तो दे विल बोथ फील इट कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. उस फोर्स की बात करेंगे इस टॉपिक के बाद, बट पहले इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम
in length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in the mid air by the uniform horizontal magnetic field. So mid air mein rakha hua hai, uniform magnetic field mein. B, what is the magnitude of the magnetic field? Agar ye air mein float kar raha hai ek tarah se, to iske do cheeze ek barabar hogi. Iska gravitational force iske magnetic force ke barabar hoga. Gravitational force hum sabko pata hai, mg hota hai. And magnetic force humne abhi bhi nikal liya hai current carrying conductor mein, ILB sin theta. Fine. And kyunki horizontal magnetic field hai B, right? और इसका एक FBD की अगर मैं बात करूँ आपसे, सो ये फ्री बॉडी डायग्राम है कुछ इस कदर. जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो L क्रॉस B ऊपर की तरफ निकलेगा. राइट हैंड कर्ल रूल करके देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट में कर्ल लगाते हैं. सो L इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फोर फिंगर्स को इस तरफ कर्ल करेंगे राइट हैंड की, तो थंब अपसाइड आएगा. राइट, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. तो थंब ऊपर की तरफ आएगा और एफ जी नीचे की तरफ आएगा. राइट, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में आई है 2 एम्पियर, लेंथ है 1.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड हम जानते नहीं हैं कि क्या है, एंड साइन 90 होता है 1, एम है 0.2 एंड जी है 10, बिकॉज 0.2 किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. सो 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/1.5 टेस्ला और 2/3 टेस्ला. राइट, ये बेसिकली फाइनली मैग्नीट्यूड आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, यही पूछा था उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करंट आई से सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन द मिड एयर इन द रीजन वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लीनियर मास डेंसिटी जो है वो लैम्डा है इसकी. राइट, सो यहाँ पर हमारे पास सेम फॉर्मूला, सेम FBD जो पहले हमने बनाया था वही आ जाएगा. सो जैसा कि मैंने कहा था, सेम फ्री बॉडी डायग्राम, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम. इट्स जस्ट अब आप m को कुछ लिख सकते हैं. आप m को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल इंटू जी. लैम्डा इंटू एल क्यों? क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी था लैम्डा, तो पर यूनिट लेंथ अगर उसका लैम्डा मास है तो l लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा इंटू एल. आई एल बी, क्योंकि साइन थीटा वन होता है, एल एल कैंसिल आउट हुआ, तो बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा जी बाय आई. ये हमारे पास फाइनली बी का मैग्नीट्यूड है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड. अ करंट 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड through the wires. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order then the tension in the wire is zero. तो tension जो है wire में वो zero हो जाए, इस कदर क्या magnetic field setup की जाए. So ये कुछ FBD है उसका, 0.45 meter की length है इसकी. right, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा and current इसमें setup है 5 ampere. नाउ सबसे पहला मेरा सवाल कि टेंशन आखिर होगी क्यों? टेंशन इसलिए क्योंकि एम जी नीचे की तरफ सस्पेंडेड है, इसलिए टी ऊपर की तरफ लग रहा है. सो ये टेंशन भार संभाल रहा है एम जी का, इस टेंशन को हमें ईजाद पाना है, इस टेंशन से ईजाद पाना है, हमें टेंशन नहीं चाहिए. राइट, हाँ टेंशन नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस एम जी को इक्वेट कराना है टेंशन के अलावा किसी और से. कोई और ऐसी फोर्स हो जो इस एम जी को संभाले, वो कौन सी फोर्स हो सकती है? मैग्नेटिक फोर्स. और वो अपसाइड कब निकलेगी? जब हम कुछ इस कदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. राइट, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नॉट एग्जैक्टली दिस डायरेक्शन बट दिस डायरेक्शन. राइट, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तभी एल क्रॉस बी करके थंब आएगा ऊपर की तरफ. राइट, यहाँ पर आप अपने फोर फिंगर्स को रखिए, उसको कर्ल करिए बी की तरफ, तो थंब कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ. तो परपेंडिकुलरली कुछ इस कदर सेटअप होगा उसका. लेट्स से अगर परपेंडिकुलर की बात कर ही रहे हैं हम, तो लेट्स से कि ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस में आएगा. राइट, एक्स क्रॉस वाई, जेड अपवर्ड्स, तो ये जेड नेगेटिव हो जाएगा, जेड डैश, और ये जेड है ऊपर की तरफ. सो बेसिकली ये होगा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप. हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड
कि वैल्यू क्या होगी वो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, उस फॉर्मूले को फिर से देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ये। सो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट एंड देन इस बारी हम बी को फिर बोल देंगे एम जी, दैट इज 0.06 × 10 अपॉन आई, दैट इज 5 एम्पियर इंटू लेंथ नीचे आएगा 0.45। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे मैग्नेट फील्ड का, विच इज़ 4/15 टेस्ला। फाइन, ये फाइनल मैग्नीट्यूड है हमारे पास मैग्नेट फील्ड का, उस मैग्नेट फील्ड का जो कि एम जी को कंपनसेट कर देगा ताकि टेंशन ना क्रिएट हो वायर में। जब वेट को कंपनसेट ही नहीं करना पड़ेगा वायर का तो कोई टेंशन नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन में डिमांड है दैट देयर आर टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2। तो I1 है x एक्सिस की डायरेक्शन में, I2 है y एक्सिस की डायरेक्शन में, देखिए पैरेलल है y एक्सिस के साथ, राइट, एंड इनके बीच में डिस्टेंस है d, अपवर्ड पड़ा हुआ है z एक्सिस की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है ये d डिस्टेंस पे। नाउ द वन करंट कैरिंग I इज द फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन एट O2। सो O2 पॉइंट पे फोर्स क्या एग्जर्ट होगी बिकॉज ऑफ द वायर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, राइट, इसके ऊपर। सो इस पॉइंट पे एग्जर्ट करने के लिए फोर्स, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस वायर का है, तो इस पे एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड किसकी लगेगी, इसकी, और किस डायरेक्शन में लगेगी वो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड उसको देखना है हमें। सो मैग्नेट फील्ड का फॉर्मूला जो मिलेगा वो हमें मिलेगा बायो सावर्ट्स लॉ से, क्योंकि इनफिनाइट लेंथ लग रही है तो सीधा हम लिख सकते हैं बायो सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट इज बी वन की तरफ से होगी मैग्नेटिक फील्ड, विच इज़ म्यू नॉट बाई 4π 2 I1 बाई डी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है माइनस जे कैप, राइट, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप। आप देख सकते हैं थंब को अक्रॉस एक्स एक्सिस रख के, सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का निकलेगा कर्वेचर वो माइनस जे कैप में निकलेगा, वेयर एज लेंथ जो है वो सेकंड वाले वायर की यूज़ होगी पर यूनिट लेंथ, और उसका जो डायरेक्शन वो क्या है प्लस के कैप, वो क्या है प्लस जे कैप। सो प्लस जे कैप और माइनस जे कैप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर जब आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में आप फॉर्मूला लिखते हैं आई एल क्रॉस बी। तो देखिए आई करंट यूज़ होगा सेकंड वाले वायर का क्योंकि वो पॉइंट उसके अंदर है, लेंथ यूज़ होगी सेकंड वाले वायर की क्योंकि उसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगेगी पहले वाले की, और क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आई टू एल टू बी वन साइन 180। क्यों साइन 180 आएगा, क्योंकि माइनस जे कैप है ये प्लस जे कैप है, देखो ज़ीरो हो जाएगा आंसर, राइट। तो क्या निकलेगा फोर्स उस पॉइंट पे, ज़ीरो। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए फोर्स बिटवीन अ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जिसमें पी क्यू का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा आर एस के रीजन में वो आर एस के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आर एस की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पी क्यू के रीजन में वो उसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल रहे हैं पी पे क्यू की वजह से, राइट, फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू। जब फोर्स पी पे लग रही है तो करंट भी पी का यूज़ होगा, राइट, फोर्स जब पी पे लग रही है करंट पी का यूज़ होगा, एंड क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या आई एल बी साइन थीटा, और ये एक इन्फिनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो क्या हम एफ पी क्यू को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू पर यूनिट लेंथ। तो ये पर यूनिट लेंथ वाली फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ को हम क्या पुट कर लेंगे, वन, एंड बी क्यू लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पर बी क्यू जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर एस है, फोर्स ऑन पी क्यू नॉट फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू। नाउ इस वायर का नाम ही हम रख रहे हैं, राइट, इस वायर का हम नाम ही रख रहे हैं
पी, और इस वायर का नाम रख रहे हैं हम क्यू. सो ये है क्यू, ये है पी. अब ठीक है, ये जो मैंने बात लिखी है दैट फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू, फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू पर यूनिट लेंथ. तो क्यू वायर के थ्रू पी पे फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग. और बी क्यू यहाँ पर क्या होगा, बी क्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू दैट एक्ट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर पी. एंड जब हम बात करेंगे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, तो वो होगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, ड्यू टू पी पर यूनिट लेंथ, राइट. वो भी पर यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे हम लोग. एंड इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी की होगी. बी पी होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी. सो एफ पी क्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी या आई वन, करेंट इन पी वायर. एंड मैग्नेटिक फील्ड क्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई टू, क्योंकि क्यू की मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यू का करंट लगेगा, अपॉन आर. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय आर. और यहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फोर्स ऑन क्यू डू टू पी, तो फोर्स क्यू पे लग रहा है तो करंट क्यू का, पी की वजह से लग रहा है तो पी का मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्यू का है टू, और पी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो होगी म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई वन, क्योंकि पी का मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट आई वन इंटू आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके बीच में. तो ये भी सेम फॉर्मूला आया, ये भी म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय आर, ये भी एग्जैक्टली सेम आया, राइट. एग्जैक्टली सेम आना भी है, इसका रीज़न अभी बताते हैं थोड़ी देर में. बट उससे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं. सो फोर्स होता है एल क्रॉस बी. तो पहले इसका इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थंब प्लेस करना पड़ेगा हमें यहाँ, और कर्ल जब यहाँ पर करेंगे तो कर्ल आउट ऑफ द पेज निकलेगा. तो क्या इसमें डॉट सही है, ये वाली बात, ये जो हमने डॉट मेंशन किया है, ये कौन है, बी क्यू है. इस पूरे रीजन में, लेफ्ट वाले सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स निकल रही है क्यू वायर के थ्रू. और अगर हम बात करें इसकी करंट की डायरेक्शन, तो वो अपवर्ड है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी यहाँ लेंगे. और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर्स को रख के कर्ल करना है बाहर की तरफ. तो थंब कहाँ आएगा, राइट साइड. थंब कहाँ आएगा, राइट साइड. डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर एफ बी डी में, एफ पी क्यू राइट साइड है, राइट. वेयर एज अगर हम बात करें यहाँ पर, सो ये भी थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं. सो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फोर्स ऑन क्यू डू टू पी, फोर्स ऑन क्यू डू टू पी, राइट. सो क्यू पे जो फोर्स है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बी की लगेगी. और बी की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट साइड के रीजन में. यहाँ पर थंब रखा और इधर कर्ल किया, तो थंब रख के राइट हैंड का यहाँ जब कर्ल करेंगे तो कर्ल इनटू द पेज जाएगा. तो ये क्रॉस जो है वो बिल्कुल ठीक है. इस क्रॉस का नाम क्या है, बी पी. नाउ ये इनवर्ड्स है. अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आ गई, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकलता है फोर्स का. तो एल के लिए करंट के डायरेक्शन में ही फोर फिंगर्स को रखेंगे, कर्ल करेंगे इनटू द पेज. तो थंब कहाँ आएगा, राइट साइड का, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड पे. तो एफ क्यू पी, ये बिल्कुल डायरेक्शन ठीक है, इधर भी जो मेंशन करी हुई है एफ बी डी में पहले से ही. सो मैग्नीट्यूड आपके सामने है, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, राइट. ये रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो है वो एफ बी डी में मेंशन है, फाइन. सो एफ पी क्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय आर, और एफ क्यू पी का भी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय आर है. हमने बोला था कि हम बताएंगे क्यों इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम निकलना चाहिए, उसका रीज़न आप सुन लीजिए. क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन है, पी ने क्यू पे फोर्स लगाया तभी तो क्यू ने पी पे फोर्स लगाया. फॉर एवरी एक्शन एंड देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. देखिए अगर ये इसको अपनी तरफ खींचा था तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचा था, राइट. ये अगर राइट की तरफ फोर्स लगा रहा था तो ये इस पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा था विद द सेम मैग्नीट्यूड. सो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम बता सकते थे कि मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख ही रही है हमें. इसी फॉर्मूले की मदद से फोर्स के, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो म्यूचुअल फोर्सेज है उसके फॉर्मूले की मदद से हम 1 एम्पेयर को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर विल बी कि अगर I1 I2 दोनों 1 एम्पेयर हैं और R 1 मीटर है, राइट, right?
तो फोर्स क्या होगा, ये तो 10^-7 है, ये 2 × 1 × 1 / 1 तो 2 × 10^-7 फोर्स होगा. तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, हेंस 1 एम्पेयर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस अ फोर्स बिटवीन देम विच इज 2 × 10^-7 है ये, फाइन, न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ. तो पर यूनिट लेंथ की जो फोर्स है वो 2 × 10^-7 निकलेगी. कब? जब करंट दोनों में 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा और डिस्टेंस भी दोनों इन्फिनाइट वायर्स के बीच में 1 मीटर होगा. ये फाइनली 1 एम्पेयर को इधर से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, देन फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 2 cm and 5 cm कैरीज अ करंट 1 एम्पेयर इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ कैरिंग 4 एम्पेयर करंट kept near the loop as shown in the figure. Now the loop and the wire are coplanar, right? Same plane mein lie kar rahe hain ye. Find the magnitude and the direction of the force on the loop due to the current carrying wire. So basically yahan par jo force is pe lagega, let's say iska naam hai a b c d, to jo force a b pe lagega usse opposite force सी डी पे लगेगा. तो फोर्स जो ए बी पे लगेगा उससे ऑपोजिट फोर्स सी डी पे लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा. तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं. हाँ, इस तरफ डेफिनेटली फोर्स लगेगा एफ बी सी, इस तरफ, एंड इस तरफ फोर्स लगेगा एफ ए डी. ये डायरेक्शन निकाली कैसे? सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर कॉयल है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है इसके, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकलती है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से. तो थंब अगर इसके लॉन्ग रखेंगे तो कर्ल करने से फिंगर्स सारी इनटू द पेज जाएंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है. ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि डायरेक्शंस ये बताई कैसे. तो फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है एल क्रॉस बी से, और क्योंकि लेंथ इसका इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट इसका इस डायरेक्शन में था, राइट? तो लेंथ क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा उसको कर्ल करेंगे अगर हम इनटू द पेज तो थंब इधर निकलेगा. इसका लेंथ क्योंकि इस डायरेक्शन में था तो उसको हम कर्ल करेंगे इनटू द पेज तो थंब इस साइड निकलेगा. तो इसमें लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पूरे रीजन में सेम होगी. जितनी दूरी पर इसका एक एक पॉइंट है इससे, उतनी दूरी पर इसका भी एक एक पॉइंट है इससे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी सी डी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल. देयरफॉर फोर्स ऑफ ए बी प्लस फोर्स ऑफ सी डी विल बी ज़ीरो. क्यों ज़ीरो? क्योंकि वेक्टरली मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा नेट फोर्स. तो यहाँ पर इस कॉयल में अब निकालना है हमें एफ बी सी एंड एफ ए डी. सो एफ बी सी एंड एफ ए डी निकालना है, बट हमें पता है कि इसका लेंथ सेम है, इसका करंट भी सेम है, बचा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेट फील्ड. इसका मैग्नेट फील्ड जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से होगा और इसका मैग्नेट फील्ड जो होगा वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से होगा. तो सारा खेल मैग्नेट फील्ड का है इन दोनों में. सो यहाँ पर हम करंट सेम लिख सकते हैं, एल सेम लिख सकते हैं, लेकिन ये बी जो होगा 1 होगा, और यहाँ पर करंट सेम, लेंथ सेम, लेकिन बी जो होगा वो 2 होगा. हाँ, डेफिनेटली साइन थीटा को मिस ज़रूर कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन साइन 90 है ना, तो साइन 90 होने की वजह से क्या हो जाएगा? 1. साइन 90 होने की वजह से क्या हो जाएगा? 1. तो साइन थीटा यहाँ पर नहीं दिखेगा. अब करंट जो है वो 1 एम्पेयर दिख रहा है वायर के अंदर क्योंकि फोर्स निकल रही है रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का करंट. लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 0.05, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है B1, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, μ0/4π (2I1)/2I/R. सो ये R1 है, B1, विच इज़ 10^-7 × 2 × I = 4 होल अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर विच इज़ 0.03,
नाउ इट्स 8/3 विच इज 2.67 इंटू 10^-5 टेस्ला. एंड अगर बात करें बी टू की तो बी टू क्या होगा, बी टू होगा म्यू नॉट बाय 4π 2 इंटू आई बाय आर टू. सो बी टू यूज़ हो रहा है AD के लिए, तो AD का डिस्टेंस क्या है वायर से, 10^-7 इंटू 2 इंटू करंट अभी भी 4, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 0.01. सो इट इज़ 8 × 10^-5 टेस्ला. सो यहाँ पर हमारे पास B1 की वैल्यू है 2.67 इंटू 10^-5 एंड यहाँ पर 1 एम्पियर 0.05 और B2 की वैल्यू है 8 × 10^-5 टेस्ला. सो बेसिकली ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें नेट फोर्स जो है वो निकलेगी F ऑफ AD माइनस F ऑफ BC, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट तो होना ही था, लेकिन AD में से BC को क्यों सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि उसका मैग्नेट फील्ड ज़्यादा उसकी फोर्स ज़्यादा, और BC वाले पे मैग्नेट फील्ड कम लग रहा है तो उसकी फोर्स कम, तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी एक तरह से, मतलब क्योंकि AD अगर जीत रहा है तो AD की डायरेक्शन है फोर्स की इस तरफ, तो इस तरफ मतलब अट्रैक्टिव फोर्स. सो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 इंटू 8 − 2.67 विच इज 5.33. सो पॉइंट यहाँ पर 4 0 ये ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा. सो 533 इंटू 5 2.665 इंटू 10^-6 न्यूटन ये नेट फोर्स लगेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में अभी हम करके आ रहे हैं लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वैसे ही क्वेश्चन है. सो ये वायर, एक वायर के ऊपर एक दूसरी वायर रखी हुई है पैरेलली, राइट, और इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है. सो ए बी वायर है जिसमें 12 एम्पियर करंट है, अनदर वायर जिसमें 5 एम्पियर करंट है, तो ये सी डी जो कि है 5 एम्पियर करंट के साथ, और इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट 12 एम्पियर, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास करंट ऑपोजिट जाने की क्यों ज़रूरत है, अगर आपको इसको बैलेंस करना है हवा में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है व्हाट वुड बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर सो दैट सी डी रिमेन सस्पेंडेड इन दिस पोजिशन. तो सी डी इसी पोजिशन में रहे, इसके लिए आप क्या चाहते हैं, ए बी का करंट ऑपोजिट क्यों हो, क्योंकि जब सेम करंट होता है, सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो अट्रैक्टिव होता है. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेरिवेशन करी है उसके अंदर देखा था अट्रैक्टिव था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये रिपल्सिव होगा, तो ये फोर्स यहाँ निकलेगी मैग्नेटिक फोर्स, तभी तो जाके वेट एम जी कंपनसेट होगा, मास पर यूनिट लेंथ कंपनसेट होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल रही है तो मास भी पर यूनिट लेंथ ही निकलेगा, राइट. तो सिंपली आपका मास पर यूनिट लेंथ को जी से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ बी के इक्वल इक्वेट कर देंगे. क्या है एफ बी, एफ बी होगा म्यू नॉट बाय 4π 2I1I2 बाय आर. सो मास पर यूनिट लेंथ होगा 10^-7 इंटू 2 इंटू I1 कितना है, जिससे 5 × 12 फ़र्क क्या पड़ता है कौन I1 कौन I2, क्योंकि प्रोडक्ट तो होना ही है करंट का, अपॉन में डिस्टेंस उनका 1 mm है, 1 mm मतलब 10^-3 मीटर, और इंटू में 10 भी आएगा क्योंकि ये जो जी है यहाँ से मल्टीप्लाई जी डिवाइड हो जाएगा, राइट. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये मास पर यूनिट लेंथ आपको बता देगा विच इज़ 12 × 10^-4 किलोग्राम पर मीटर, ये है मास पर यूनिट लेंथ इसका.
राइट. नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टॉर्क जनरेट करती है अपने ऊपर और वो टर्निंग इफेक्ट जनरेट करती है, राइट. तो उसका टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है. सो ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉइल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लगेगी. फोर्स लगेगी कहाँ कहाँ? यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगी. एक तो यहाँ फोर्स लगेगी इस वाले वायर में, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ये फोर्स लगेगी आउट ऑफ द पेज, फाइन. और ये इधर एक फोर्स लगेगी, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये फोर्स लगेगी इनटू द पेज, फाइन. ये इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज फोर्सेस लग रही हैं. ये उसी का कॉर्नर व्यू है, यहाँ से कॉर्नर व्यू. ये आउट ऑफ द पेज है, ये इनटू द पेज है, यही कॉइल को घुमा रहा है, राइट. ये बी डिस्टेंस है उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एजेस पे लग रही हैं, यहाँ और यहाँ, राइट. राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ये थीटा रोटेट, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा. ये हमारे पास फोर्स है आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा, साइन 91 हो जाता है. तो क्यू आर और पी एस दोनों पे ही आई एल बी फोर्स लग रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन यूनिफॉर्म है, करंट दोनों में सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसलिए इस आर क्यू और इस पी एस पे दोनों पे फोर्सेज जो है वो आई एल बी लगेगा. सो यहाँ पर हमारा काम है टॉर्क निकालना. टॉर्क, टॉर्क होता क्या है? आर क्रॉस एफ, राइट. आर क्रॉस एफ, सो बी साइन थीटा इंटू एफ में आई एल बी, एंड क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर तो बी साइन थीटा का फोर्स के साथ जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री है. तो बी साइन थीटा का यहाँ पर फोर्स के साथ एंगल क्या है? 90 डिग्री. हाँ, बी कॉस थीटा का जो एंगल है वो 180 डिग्री है. तो इसमें दो कॉम्पोनेंट थे, एक बी साइन थीटा था और एक बी कॉस थीटा था. तो बी कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा लेकिन बी साइन थीटा की वजह से लगेगा, दैट्स राइट. तो यहाँ पर इसमें हमने इसको आई एल बी कैपिटल बी साइन थीटा, जिसमें ये जो स्मॉल एल और स्मॉल बी है ये एरिया है आई ए बी साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क है, फाइन. हमें आगे जाके जानने को मिलेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट कैरिंग कॉइल में, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है जो आई ए के इक्वल होता है. टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए हो जाएगा. एन क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसी कॉइल के बढ़ जाएँ तो, राइट. तो यहाँ पर हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एम क्रॉस बी, क्योंकि एन आई ए तो एम हो गया, एम बी साइन थीटा तो एम क्रॉस बी. मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू टॉर्क, जस्ट लाइक पिछला केस आपको याद होगा. इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के अंदर करा था, डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर भी टॉर्क निकाला था. तो आपने लिखा था पी क्रॉस ई, वहाँ पर डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, फाइन. ये फाइनल हमारा फॉर्मूला है इसका. इसके भी कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं और ये फोर्सेस कुछ इस कदर लग रही हैं ताकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सके, फाइन. तो इसके वो क्रूशियल पॉइंट्स देख लेते हैं. सो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं, अगर थीटा ज़ीरो हो जाए तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, थीटा 90 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. और इंडिपेंडेंट होगा शेप के, क्योंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है. शेप कैसी भी हो, एरिया उसका जो भी होगा वो पुट करना है हमें. सर्कुलर शेप की बात करें, अगर टॉर्क इज़ मैक्सिमम बिकॉज सर्कल हैज़ अ मैक्सिमम एरिया, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ द करंट लूप. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के, करंट लूप के प्लेन के अल्फा एंगल बनाता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, यहाँ पर अल्फा. सो थीटा प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा. तो साइन थीटा लिखूँ या कॉस अल्फा लिखूँ, बात क्या है? सेम. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर जो होगा, एंड मोस्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स मेजरिंग द करंट वोल्टेज गैल्वेनोमीटर्स, ये सब इसी पे डिपेंड करते हैं, टॉर्क पे, फाइन. करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगेगा, इसी पे डिपेंड करते हैं. चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, या फिर अगर हम बात करें आगे चल के, अभी हम गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, वो भी इसी पे डिपेंड करेगा, फाइन. तो इसलिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने टॉर्क पे सीखे हैं, एंड देन उसके बाद गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर के टॉपिक को करेंगे. सो ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट एम ड्यू टू अ प्लेन स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड अ करंट स्टेडी आई इन द वेक्टर फॉर्म. तो बेसिकली हमारे पास
एम वेक्टर होगा यहाँ पर आई एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर जिसमें एरिया वेक्टर जो होगा एन कैप एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स वो होगा हमारा इसका वेक्टर फॉर्म राइट एज शोन इन द फिगर. एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर भी है जिसके पास आई वन करंट है जो कि इससे एल दूरी पर पड़ा हुआ है. हमें टॉर्क निकालना है. अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे. इधर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि इधर जो भी फोर्स लगेगी वो इससे क्या हो जाएगी कंपनसेट. ये हमें अभी अभी देख के आ रहे हैं पिछले एक क्वेश्चन में. तो इधर और इधर जो फोर्स लगेगी उसी से हमारे पास निकलना होगा टॉर्क राइट. तो फोर्सेस जो हैं वो इधर और इधर निकलेगी तो टॉर्क आएगा ही नहीं. टॉर्क इसमें ज़ीरो हो जाएगा राइट. ये इसको अपने करीब तो बुला सकता है या दूर तो भेज सकता है राइट. लेकिन रोटेट नहीं करा सकता. और रोटेट कराने के लिए जिस तरीके की फोर्स चाहिए वो इसके पास है ही नहीं. तो आप देखिए यहाँ वाली फोर्स इससे कैंसिल हो रही है और इनमें से ये वाली फोर्स जीत जाएगी. तो ये पास तो आ जाएगा इसके लेकिन रोटेट नहीं करेगा. सो यहाँ पर हमारे पास गिव रीज़न टू एक्सप्लेन दैट लूप विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स बट नो टॉर्क. नेट फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा डेफिनेटली करेगा राइट. लेकिन जो मैग्नेटिक लेट्स से टाओ की अगर हम बात करें तो टाओ के फॉर्मूला हम जानते क्या हैं. टाओ का फॉर्मूला है हमारे लिए एम क्रॉस बी राइट. इसके पूरे रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है क्रॉस इनटू द पेज पूरे रीजन में किससे आई वन की वजह से. आप थंब प्लेस करिए आई वन पे और मैग्नेटिक फील्ड पे कर्ल करिए इस पूरे रीजन में तो कर्वेचर ऑफ द फिंगर जो है वो अंदर एंटर होता हो दिखेगा प्लेन में इनटू द पेज. और इस पूरे का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आउट ऑफ द पेज है. सो बेसिकली यहाँ पर इस एम बी में ही एंगल बन रहा है साइन 180 आउट ऑफ द पेज बन रहा है मैग्नेटिक मोमेंट और साइन 180 और साइन 0 दोनों में से कुछ भी आप एक लिख सकते हैं और दोनों ही आंसर क्या है जीरो. तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो. तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल है एंटी पैरेलल है जिसकी वजह से टॉर्क जो है वो जीरो एक्सपीरियंस होगा इसके ऊपर फाइन. तो नेट फोर्स तो होगा और नेट फोर्स जो होगा वो इसी डायरेक्शन में क्यों निकलेगा इसको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ये अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में एक न्यूमेरिकल करा है ऐसा वाला. बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है. मैं बताता हूँ आपको वो कैसा दिख रहा था. आपको वो ऐसा दिख रहा था इफ़ यू रिमेंबर ऐसा फिगर दिख रहा था यहाँ पर. बस मैंने यहाँ पर इसको ऐसा दिखा दिया. बात एक ही है सेम फिगर है फाइन. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो ये क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला. अ फील्ड इज लीनियर हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन. कैलकुलेट द फोर्स एंड अ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो नेट फोर्स तो देखिए यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हर एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो भी वेक्टर होगा फोर्स का उसका एक रिजल्टेंट यहाँ होगा इसका एक यहाँ होगा इसका यहाँ पर कंपनसेशन होगा इसका यहाँ पर हर किसी का कंपनसेशन अवेलेबल है. रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा. बट येस ऑफकोर्स टॉर्क पैदा होगा क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है. तो टॉर्क डेफिनेटली लगेगा विच इज़ टाओ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी जो कि 90 डिग्री पे है. तो आप इसको एन आई ए बी भी लिख सकते हैं साइन 91. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25. करंट कितना चल रहा है 10 एम्पीयर. रेडियस के अकॉर्डिंगली 22/7 पाई आर स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10^-4. सो ये रेडियस का स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1.2 है टेस्ला. सो फाइनल आंसर जो टॉर्क का निकलेगा न्यूटन पर मीटर में वो इस सबको सॉल्व करने के बाद निकलेगा दैट इज़ 3.4 न्यूटन पर मीटर विच इज़ अपवर्ड्स क्योंकि इसका परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड्स निकलेगा राइट. इसमें जो यहाँ पर निकलेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स वो इसके साथ विच इज़ इन दिस डायरेक्शन वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ टॉर्क पैदा करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फाइन.
नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 100 गॉस, दैट इज 100 इंटू 10^-4 टेस्ला, विच इज 10^-2 टेस्ला, इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. सो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है एंड 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर विद अ लेंथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इतना. वॉट इज द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लूप मेड ऑफ द वायर विच यील्ड्स द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट. तो बेसिकली शेप जो है वो तो सर्कुलर होनी चाहिए, वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. वेराज जो उसकी ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन जो होगी वो सेम प्लेन में होगी जिस प्लेन में यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. तो बेसिकली अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, तो ये ओरिएंटेशन होगी, ताकि इसका जो एन कैप निकले वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकले, राइट, एरिया वेक्टर. और क्योंकि इस 44 सेंटीमीटर की वायर को हमने कन्वर्ट करा है सर्कुलर शेप में, तो हम लिख सकते हैं 44 इज इक्वल्स टू 2πr, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 44/2π, दैट इज 7 सेंटीमीटर. फाइन, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, या फिर 0.07 मीटर बोलिए. इसमें हमारे पास मैक्सिमम हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, IAB एंड साइन 91 होगा, क्योंकि मैंने इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस कदर रखी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स लिखा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ताकि वो साइन 90 बन जाए. करंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है 10. एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, विच इज 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर 10^-2 टेस्ला है. इस सबको सॉल्व करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं, 1.54 × 10^-3 न्यूटन पर मीटर. सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रेक्टेंगुलर कॉयल PQRO ऑफ एरिया ए कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, विच इज BK cap, इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशन A एंड B. व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉयल इन द टू केसेस. तो बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला होता है IAB sin θ. फाइन, सो अगर ओरिएंटेशन ए की बात करूं मैं, तो ए ओरिएंटेशन में ये जो एम है मैग्नेटिक मोमेंट, विच इज IA, दिस IA इज नोन एज एम, ये एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स जाएगा. तो ये या तो एक्स पॉजिटिव में आएगा या एक्स नेगेटिव में जाएगा, और एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव दोनों ही जेड डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब इसका आ जाएगा आंसर IAB. काम खत्म, साइन 91. फाइन, बट अगर हम बात करें ओरिएंटेशन बी की, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा. ये क्यों ज़ीरो हो जाएगा, देखिए आप, ये जो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जेड एक्सिस के या तो पॉजिटिव में निकलेगा या नेगेटिव में. अगर पॉजिटिव में निकला तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, विच इज़ ज़ीरो, तो टॉर्क ज़ीरो. नेगेटिव में गया तो साइन 180 हो जाएगा, विच इज़ अगेन ज़ीरो, देयरफॉर टॉर्क ज़ीरो निकलेगा इन ओरिएंटेशन बी, एंड ओरिएंटेशन ए में IAB निकलेगा. फाइन, ये फाइनल क्वेश्चन था हमारा. इसके बाद जो टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर है, या गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना इन एमीटर एंड वोल्टमीटर, उससे रिलेटेड टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी के लिए इतना ही, और आप इससे रिलेटेड होमवर्क सुन लीजिए अपना, ताकि नेक्स्ट क्लास तक आपका यहाँ तक सब कुछ एकदम पक्का हो. सो होमवर्क है हमारे पास पेज नंबर 36 से लेकर पेज नंबर 48 तक, ये हमारा होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में अगर हम यहाँ तक कर लेंगे 36 से 48, सो हमारा काम हो जाएगा. फाइन, आज तक का किया हो. एंड इसके बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, एंड गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर एनमीटर में, एंड उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग.